हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। तुम लोग यार कोई मतलब यार हम कह रहे हैं तुम लोग यार डिग्री लो, मूवी वूवी बनाओ, कहाँ रिकवरी में पढ़ो, इतना अच्छा स्क्रिप्ट लिखते हो तुम लोग। ये भाई साहब क्विक मूवी का केस है और जो रिकवरी एजेंट है वो जाट बन के बात कर रहा है, लेकिन हमारा जो व्यूवर है वो पढ़ा लिखा है, उसे पता है कि सामने क्या हो रहा है। उसने बताया कि भाई एक काम करो, कल एक भाई साहब आए थे, वो वकील बन रहे थे, तुम पुलिस बन रहे हो, तुम एक काम क्यों नहीं करते यार, मूवी बनानी शुरू कर दो। बहुत बढ़िया बढ़िया बातें की हैं, और अगर ऐसे आपने बातें कर ली ना तो हरेसमेंट गई तेल लेने, लास्ट में वो बोल के जाएगा देखना कि भाई साहब दो मत दो, खत्म कर बात, मन करे दे देना, नहीं मन करे मत देना। तो आइए सुनते हैं क्या क्या बातें हुई हैं। हेलो, हेलो। फुरकान बोल रहा है? फुरकान हाँ अड गुड़गांव से बात कर रहा हूँ भाई। भाई बोल। अड अभी को कितने कोई अमाउंट अमाउंट ले रखा, कितना है? हाँ ले रखा थाने में रिपोर्ट जमा कराइए भाई, पेमेंट वगैरह ना करवाई इतना। थाने में। कौन सी रिपोर्ट होती है इसकी थाने हाँ भाई में? कौन सी रिपोर्ट होगी? सर पूछे। हेलो हेलो, कैसे थाने में ना होती तो और कितना होती रिपोर्ट? क्या कह रहे हो? और कितना होती रिपोर्ट थाने में ना होती तो? कोर्ट में होती है। कोर्ट में होती है। अच्छा, अरे कानून पढ़ा होगा के? नहीं कानून पढ़ा हूँ तो बता रहा हूँ। अच्छा, फुरकान है, पेमेंट क्या की करेगा बता? पेमेंट का की करेगा जो ड्यू चल रहा है क्विक पे? 29,000 रुपये ले रखे हैं। कितना है? 29। 29। हाँ पहले आपने कहाँ कौन से थाने से बोल रहे हैं? एक रिकवरी वाले ने तेरे नाम रिपोर्ट जमा कराई है भाई। अरे तुम कौन से थाने से बोल रहे हो? हम सेक्टर 61 CIA का ऑफिस से बात कर रहे हैं, बता। तो थाना कॉल सेंटर बन गया है क्या आजकल? देख जब तुम जैसे लोग पेमेंट ना करोगे तो कॉल सेंटर ही बनाएगा। भाई रिकवरी एजेंट ही बना रहे, पुलिस ऑफिसर मत बन। तू बता तेरे के करना, तने पेमेंट करनी है मैं ना क्या करनी? कह रहा हूँ तेरे तने को, पेमेंट करनी है ना करनी? बकचोदी झाड़ रहा है तू, पुलिस ऑफिसर मत बन, ये रिकवरी बता एजेंट ही तने रहे। पेमेंट करनी है ना करनी? पेमेंट कंपनसेशन करनी है ना करनी? पेमेंट नंबर करनी है बदल ना करनी? बदल के कॉल करेगा तो पुलिस हो जाएगा तू। पेमेंट करनी मो पता, मेरी तो कल भी बात हुई, वो मैं आप बता दूंगा मैं कौन हूँ, तो बता पेमेंट करनी ना करनी? कंपनसेशन पहले फिर पेमेंट। क्या चीज को कंपलशन चाहिए तो? रिकवरी जो करते हुए तुम लोग ने जो प्राइवेसी की धज्जियां उड़ाई उसका कंपनसेशन। अच्छा ना, तो पैसा ना देगा तुम्हें? अरे ऐसा ना दे दे भाई। अरे भाई, धज्जियां उड़ाओगे प्राइवेसी की तो कोई कस्टमर और। भाई दर्जी का हमने उड़ाई है, अब केस मेरे पास है, दे दा दे भाई निपटा दे यार केस इतना। अरे तो पुलिस थाने से बोल रहा था ना भाई अभी तो तू। मैं कहीं से बोल रहा थी। भाई थोड़ा थोड़ा यार ऐसा मतलब तुम लोग यार सुनील शेट्टी बन जा रहे हो, सिंगम बना रहे हो। बच्चों मत मार, टट्टी सुन तो पट्टी मेरी मत करे बात तो मुंह पे, सुन मैं तो खामगा। सुन मेरी बात तो सुन भाई, तुम लोग यार कोई मतलब यार हम कह रहे हैं तुम लोग यार डिग्री लो, मूवी वूवी बनाओ, कहाँ रिकवरी में पढ़ो, इतना अच्छा स्क्रिप्ट लिखते हो तुम अरे मरने गई मूवी, बॉलीवुड मरने गए वो लोग। तू यार बता, मूवी मूवी पढ़ाओ तुम, वो एक्टर अरे भाई तुम, वो देख पहली ले बार, फिर तुम, वो पहली देख ले बार कोई तेरे जैसा बंदा मिला है जो जो तुम हताहत इस कॉल करते हुए, वरना अभी तक मैं हता नहीं। वो देख लेगा तो फिर मैं भाई तो कतई मूवी बनानी चाहिए, क्या नहीं यार बात है देख यार, माँ की देख, नहीं, कसम खा रहा मैं हूँ तो मैं। राइटर हूँ यार, मैं तुझे स्क्रिप्ट दे दूंगा, डायरेक्शन तू कर लियो। अब देख ला, अब नहीं तेने मारी है ना, पहले तू वकील बता रहा हूँ वो कल तू वो वकील, आज तू राइटर बन लो। देख इतनी नहीं क्यों मार रही हैं यार, क्या क्या के चक्कर? नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ, PLLB क्या हो, प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, प्रैक्टिस कर यार, प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, उसमें अभी बहुत बिना गरीबों प्रैक्टिस की के तू वाट बिना लगाई जब तू जाती है आदमी ना। की जब तू सुन आदमी तो की मेरी हाँ बात, जब तू राइटर जब सही तू में सुन सुन एक्चुअली जब में तू राइटर। आदमी की बिना प्रैक्टिस के मार सके, प्रैक्टिस तू फेल दगवा। अरे भाई कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो क्यों, मजाक उड़ा रहे हो? मजाक ना भाई, सही कह रहा हूँ मैं यार, तेरे मेरी फाड़ रहा कि नहीं मेरे यार मुंह भाई पे क्यों एक्चुअली दहाड़ ना दे रहा हूँ? तुम्हारी कोई गालों ने थोड़ी वाट लगा दी, शुरुआती में हुआ था, देख डी हुई थी 5 दिन बाद ही इन्होंने ऐसा कांड किया, ठीक है फुरकान ना। भाई देख, हमारी मेरी देख भाई फाड़ रहा है, हमारा ये चीज ना झगड़ा हम गलत है, लोगों ये से चीज है गलत है, नहीं। वैसे प्राइवेसी वगैरह शेयर करूंगा, ये तेने गलत करा बात मेरे भाई, सुनो, मेरा झगड़ा ना तुमसे ना हमने तुमसे लिया, ठीक है, ना ना आप बिल्कुल पोलाइटली बिल्कुल बात करोगे हम बात करेंगे, लेकिन वो सही जो बात है है। उन लोगों ने डेटा दिया, अब किसने मिस यूज किया, क्योंकि आप लोग के पास तो घूमता रहता है, अब ये आप हो सकते हो तीसरी चौथी कोई सी एजेंसी हो जो जिसने भी किया, ये 3 बार एजेंसी हुआ ना है। भाई, ना 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 भाई, बड़े भाई एजेंसी से ना बात कर रहा हूँ मैं,
अच्छा यू एजेंसी पे तो हेड ब्रांच में आए हो, यू केस गुड़गांव वाली में, अच्छा एजेंसी एजेंसी से बात ना कर रहा भाई मैं। अगर तो मैं तो ऐसे थोड़े बात कर रहा हूँ तो तुझे सोच रहा हूँ कि कल कल कलेक्टर बात ने कर रहे थे ऐसे एजेंसी। ही बंदे से, तो उससे मैंने कहा ऐसा अगर आप जो हो किसी एजेंसी से नहीं हो तो अपनी जो है एक ईमेल आईडी मुझे सेंड कर दो। तो ना वो ना मो कहने पे तो लग कुछ भी ले ले, MK2244 मेरी एम्प्लॉय आईडी है, यही तो लेकर आएगी। या तो सर्च मार दोगे ना वहीं पे लिखी आ जाएगी, हाँ, सुनील तो यार भाटी और कंपलसेशन दिलवाओ गुड़गांव यार हेड कंपनी ब्रांच से, और जो सुनील भाटी। कंपनी ने मेरी लगाई है इतनी। देख मैं तो बताऊं, कंपनी कंपनी तो पे कुछ ना लिखवा रही, तो पे कॉल आती रहेंगी, तू भी टाइम पास करते रहेगा, हम भी तो पे टाइम पास करते रहेंगे। हाँ या मैं तो दिक्कत ना है। भाई, देख समझने की कोशिश करियो, मैं तो जो ना क्या मैं तो सही बताऊँ, या मैं दिक्कत तो यू है, या मैं जो पेनल्टी 0.1% के हिसाब से कंपनी ठोक रही है ना, कंपनी कहा भाई ठीक है अपनो कलेक्शन की हम सैलरी ले रहे हैं, तुम सब काम न कर रहे हो, कि भाई कॉल करो या बंदे थे, मोते भी कह रहा कि या बंदे पे एक बार फोन करना ही करना, हम भी कर ले, तू भी टाइम देखो पास कर मालूम क्या काम क्या से। किया कंपनी, देखो मेरा फोटो सर पूरे व्हाट्सएप पे भेजा मेरी कॉन्टेक्ट लिस्ट के, और ये सब करके उन्होंने सोचा कि बंदा जो है ऐसा ही होगा। तो उन्होंने सब भेजा सबको, और सब 556 कॉन्टेक्ट पे व्हाट्सएप गया है मेरे। कल एक बंदे के मेरे दोस्त के नंबर पे कॉल गई थी, उसने तो गाली की सुनाई है कायदे से। ठीक है, तो ऐसा ही जो है कंपनी इलीगल प्रोसीजर अपनाएगी तो मैं नहीं दे पाऊंगा। कोई बात ना यार, निपटवा ले कमती बढ़ती में, जितना तेने यूज करवा को आधो भरते वहां में भी काम कर दूंगी फिर। और बता, कितने में करवाओगे सेटल? देख भाई मैं तो सच बता रहा हूँ, देखो कसम वसम वाली बात ना, माँ कसम, यू केस जो तेरो है मुंह पे, यू कल तक है, कल शाम तक 21 को यू चलो जाएगो, हमें नया डाटा मिल जाएगा, ठीक है। तो ठीक है। हमारे अंदर यू है भाई सिस्टम के, अगर तू पेमेंट करता है तो तेरा जो लेफ्ट अमाउंट है वहां मैं तुरंत हटवा दूंगा। यू भी ठाकुर की जवान है भाई, देख ले, ठीक है। ठाकुर साहब हाँ भाई ठीक है, यू मैंने तो कह दिए। बाकी देख मैं तो न्यो ना कह रहा भाई, मेरे देख मैं कहा ही टारगेट पूरा करूंगा, मेरे लो 5:55 हो रहे, 6:30 बजे मैं लॉग आउट कर घर चले जाऊंगा, जो टारगेट। पर भाई एक बार वाने कही, हाँ नौकरी तो उन लोगों की हवा उतार कर दी यार। वाने एक बार वाने कॉल कर दी, क्या नहीं यार यार, कॉल कर, मेरे हिसाब से हमें लगता है जो तुम जॉब कर रहे हो ये है सरदर्दी का काम। सरदर्दी है पर गुड़गांव में सैलरी ठीक है यार, सरदर्द क्यों। हाँ, रहने वाले कहाँ के हो? मैं भाई फरीदाबाद हरियाणा पे हूँ। हरियाणा। हाँ, वो लैंग्वेज से लगा। हाँ हम यार योगी योगी आदित्यनाथ जानते हो? अरे बाबा ठाकुर साहब है, वो हाँ, हमारे ठाकुर पिता साहब के क्षत्रिय राज्य धर्म के में एक। हैं। तो ठाकुर साहब का कहना है अगर कोई गलत करे तो उसकी में घुस जाओ। घुसो मत, मारो साले की, हाँ, तो वही कंपनी की वही कर रहे हैं हम। कोई बात नहीं, अब तुम देख लो भैया बाबूजी, मैं तो नहीं कह रहा हूँ, तो देख बड़े भाई सुरजवाले बढ़िया रहेगा, नहीं हुई है अब तो पे मैं बताऊँ तो पे, अब आज और कल फोन हो रहा है बाबा तो पे, ठीक है। कल के बाद तो पे फोन आना बंद है जाएगा 10-15 दिन को, ठीक है, फिर फोन आने लगे वो 10-15 दिन में, तो कॉल अंते तो फ्री है जाएगा, पर कंपनी जा वाला लगा होगी ना नहीं देख, भाई एक दस बार। पंद्रह दिन बाद हम वैसी कंडीशन में आ जाएंगे कि हम इनसे सॉर्ट आउट कर लेंगे। अच्छा अच्छा एक्चुअली आज अपॉइंट हो गए ना हम, ऑफिस में अपॉइंट हो गए। हाँ, हाँ भाई देख लियो यार। देख तो अब मेरे पास पेमेंट आएगा, अब मैं इनसे कहूंगा बताओ कितने में सेटल करोगे। अब जब ये जितने में मेरे लगेगा कि हाँ इतने में करना है, ठीक है मैं कर लूंगा। अब इस मंथ पॉसिबल नहीं ना, अब नेक्स्ट मंथ जो है सेटलमेंट होगा इसका। ठीक है भाई फरकान भाई, कानपुर कानपुर यार, कानपुर बहुत दूर पर है, कानपुर में वो नाटक की सूट बहुत तगड़ा है शहर, तगड़ा है ना, तगड़ा शहर है ना वैसे। है शहर, लोग भी बहुत तगड़े हैं। अभी लोग यार तो भाई हर सुनो, जगह तगड़े हैं। अभी यार तू तु, तु, तुझसे पहले ना एक पुलिस आवर बन के बात कर रहा था, वो तो मालूम पता है पूरी मूवी बना रहा था, बैकग्राउंड में पुलिस का सायरन बजा रहा था। अच्छा हाँ, मैंने कहा भाई क्या कर रहे हैं साले, इन लोगों तो डायरेक्टर होना चाहिए। यहां तक पहुंच गए, मैंने कहा यहाँ तक बात की, मतलब बगल बैकग्राउंड में सायरन बजा रहे, मतलब पूरी मूवी जो है लगनी चाहिए कि हाँ मूवी सही चल रही है, फेक नहीं लगना चाहिए कहीं से। मैंने कहा यार किस हद तक, इस लेवल तक जाना पड़ता है रिकवरी एजेंट पर भाई तू भी खिलाड़ी है, तू समझू उन्हें। को। नहीं यार देख भाई, हम एजुकेटेड बंदे हैं, हम जानते हैं किस किस हद तक कंपनी जा सकती है। और ये जो ये टेलीकॉलिंग वॉलिंग का काम कर चुका हूँ ना अभी दिल्ली में, मैं जानता हूँ क्या क्या चोचलेबाजी होती है, जानकारी थी मुझे पर पहले से।
सोच रहा हूँ अपने ही पैसे में घुस जाऊँ, अपना ही केस लड़ू पहले। अपने से शुरुआत कर लूँ मैं। हाँ, फीस भी नहीं देनी पड़ेगी किसी की। कंपनी जो ऐसे पैसा दे रही है हर भाई। नहीं नहीं अबे यार, मालूम सिर्फ 5 दिन ड्यू हुआ था और मैं छठे सातवें दिन पे कर देता, इन लोगों ने डाली। मैंने कहा पे ही नहीं करूंगा, फिर अब करवा लो। हाँ भाई, ये हर कोई बंदा जब तुमसे 3 साल से तुम्हारा कस्टमर है, लेता है दे देता है टाइमली, एक बार 5 दिन ड्यू हुआ तो तुमने ऐसी वाट लगाई। तो हमने कहा रुको तुम्हें बताता हूँ, अभी तक तो छोटा अमाउंट था, आपकी बड़ा अमाउंट लिए हुआ बैठा हूँ मैं, बता थोड़ी आलो। अभी कभी यूज करता था 2-4-5-10 हजार रुपए, इस बार तो पूरी की पूरी लिमिट यूज कर डाली थी मैंने। फिर सारे इसमें बाहर बढ़िया टाइम में काट रहा हूँ, अब जाए के मैं थोड़ा सा बन जाऊंगा एजेंट, ठीक है। तुम थोड़ा सा टाइम और कट गई तो मेरे, है ना, रुक जा अभी, जब मैं कहूँ अब मैं वहां मांगू थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में, ठीक है। ठीक है। देखो सर, जैसे ही पेमेंट होगी मैं अपडेट करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दिक्कत तो आप करो तो सही पेमेंट। टीएल आ गया है क्या? पेमेंट करने वाले बनो आप। टीएल आ गया क्या डंडा करने? जी हमारे डंडा करो, देखो बहन को। जैसे ही पेमेंट होगी मैं अपडेट कर दूंगा, क्या 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 दिक्कत ले रहे हो? मैं मेल करा दूंगा सर आपको, और बताइए। ऑफ क्या तेरे ऑफ जो है 6:30 बजे होता है? हाँ यार, 6:30 बजे होगी मेरा। जैसे ही आपकी पेमेंट होगी मैं आपका अपडेट करवा दूंगा। टीएल वीएल ना भाई, मैं खुद टीएल हूँ अभी अपने आप में। अच्छा चल ठीक है भाई, बहुत बढ़िया लगा तो बात करके, बहुत बढ़िया, भरे भरते सारे मतलब तेरी इच्छा। ठीक ठीक भाई, थैंक यू। सुनो भाई लोगों, आपने बस यही आपको करना है, सिर्फ बातों का ज्ञान होना चाहिए, बातों का नहीं मतलब बातें करनी आनी चाहिए और ज्ञान होना चाहिए आपको। भाई ने सही बातों में उसको उलझाया और उससे हकीकत निकल गई। फाइनली वो बोल के गया कि भाई साहब पैसे हों दे देना, नहीं हो मत देना। आपको भी यही करना है भाई साहब, पैसे हों तो दे दो, नहीं हों तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। दोस्तों आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियाँ हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और NBFC हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचलकर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।